दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज लाइन पर। नीट पीजी का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू, इस बार सेंट्रल की सीटें स्टेट को नहीं जाएंगी। केंद्र 2 की जगह 4 काउंसलिंग करवाएगा, 50% सीटें केंद्र को जाएंगी। भीलवाड़ा में कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां, हजारों की भीड़ जुटी, बिना मास्क दड़ा खेलने पहुंचे लोग, आयोजकों पर 10,000 का जुर्माना। चित्तौड़गढ़ में तस्करी करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार, मनासा से डोडा छुरा भरकर जोधपुर ले जा रहे थे तस्कर, पुलिस को देखकर एक आरोपी हुआ फरार। राजसमंद से आए 90 नए कोरोना संक्रमित, 11 महीने का बच्चा मिला पॉजिटिव, 480 पहुंचा एक्टिव केसेस का आंकड़ा। बांसवाड़ा में डीजे बजाने पर हुआ विवाद, युवक की मौत, पीड़ित बोला गला दबाकर जबरदस्ती जहर खिलाया, पुलिस बोली घर जाकर खाया। आर्मी दिवस के उपलक्ष्य में सलुम्बर में दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री, फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। मेडिकल कॉलेजों में लंबे समय से चल रहा नीट पीजी की काउंसलिंग का इंतजार अब खत्म होने को है। नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू हो गई है। इस बार काउंसलिंग में खास बात यह है कि अब केंद्र के कोटे से भरने वाली सीटें राज्य के कोटे से नहीं भरी जाएंगी। मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें केंद्र तो 50% राज्य के कोटे से होती है। अब तक सेंट्रल के कोटे की सीटें नहीं भरने पर उसे स्टेट को दे दिया जाता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स के लंबे आंदोलन के बाद अब नीट पीजी की काउंसलिंग होने जा रही है। इस बार होने वाली नीट पीजी की काउंसलिंग में केंद्र 2 की जगह 4 काउंसलिंग करवाएगा। अब तक केंद्र 2 काउंसलिंग करवाता था, उसमें सीटें नहीं भरती थी तो वो सीटें स्टेट को दे दी जाती थी, मगर अब ये सीटें स्टेट को न देकर केंद्र ही 4 काउंसलिंग कर भरवाएगा। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में पीजी की 188 सीटें हैं, जिनमें से 94 सीटें केंद्र और 94 स्टेट के कोटे से भरी जाएंगी। आरएनटी उदयपुर के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर ललित रैगर ने बताया कि डायवर्सिटी बढ़ाने को लेकर इस बार काउंसलिंग में यह बदलाव किया गया है। सेंट्रल की सीटों के लिए अब 2 की जगह 4 काउंसलिंग होगी। विप्रसेना उदयपुर संभाग की शनिवार को बैठक रखी गई, जिसमें उदयपुर बार एसोसिएशन से जीतने वाले ब्राह्मण गौरव, अधिवक्ता गिरजा शंकर मेहता, पूर्व अध्यक्ष भरत जोशी, अधिवक्ता निर्मल पंडित का सम्मान किया गया और साथ ही उदयपुर कार्यकारिणी की घोषणा की गई। विद्यालय प्रमुख युधिष्ठिर व्यास, निकुंभ भट्ट, लोकसभा उपाध्यक्ष नरेश शर्मा को शहर विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया। उदयपुर से प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि आने वाले परशुराम जन्मोत्सव पर भव्य आयोजन की तैयारी की जाएगी। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष जगत नागदा ने बार एसोसिएशन से जीतने वाले ब्राह्मण बंधुओं का बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया। बार एसोसिएशन से जीतने वाले अधिवक्ताओं ने कहा कि ब्राह्मण बंधुओं पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो अधिवक्ता हर समय उनके साथ खड़े रहेंगे। इस बीच विप्रसेना के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी का स्वास्थ्य वर्तमान में खराब चल रहा है, तो ये देखते हुए विप्रसेना के संरक्षक मंडल द्वारा महामृत्युंजय का पाठ किया गया। आयोजन में जिला प्रभारी राजेश भट्ट, जिलाध्यक्ष मोहन मिनारिया, नगर निगम पूर्व उप महापौर लोकेश द्विवेदी, बंसी व्यास, जगदीश मिनारिया, रोशन मिनारिया, हितेश शर्मा, हिमांशु गौड़, रोशन शर्मा, राजेश ओदीचे, नरेश शर्मा आदि विप्रसेना युवा उपस्थित रहे। राष्ट्रीय मंसूरी समाज के जिला उपाध्यक्ष अकील मंसूरी ने अपनी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उदयपुर गीतांजलि अस्पताल जाकर डेंगू पीड़ित मरीज मध्य प्रदेश सिंगोली निवासी अंकित जैन को अपना एसडीपी डोनेट किया। पेशेंट अंकित जैन काफी समय से डेंगू बीमारी से पीड़ित थे और उनकी प्लेटलेट्स भी काफी कम हो गई थी। इससे पहले भी अकील मंसूरी ने कई बार अपना एसडीपी दान किया है। रमजान माह में अपना पहला रोजा तोड़ अपना प्लाज्मा भी दान कर चुके हैं। वे कहते हैं कि अच्छा लगता है जब वो अपना रक्तदान करते हैं। मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानकर किसी के काम आ जाना, इससे बड़ा कोई पुण्य क्या हो सकता है। जिला अध्यक्ष अख्तर हुसैन मंसूरी ने कहा कि फक्र है कि राष्ट्रीय मंसूरी समाज इंसानियत के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। साथ ही आम नागरिकों से अपील भी करते हैं कि जब भी किसी को रक्त की जरूरत हो तो अपना रक्त अवश्य दान करें, इससे किसी का जीवन बच सकता है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री, फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। भीलवाड़ा में मकर संक्रांति पर खेले गए दड़ा में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, हजारों लोगों की भीड़ जुटी। एक चौक में इतने लोग थे कि पैर रखने की जगह तक नहीं बची थी, लोग एक दूसरे से सट कर चल रहे थे।
भीड़ में किसी ने मास्क भी नहीं पहना। यह सब हुआ फूलिया कला के धनोप गांव में मकर संक्रांति पर। दरअसल रियासत काल से दड़ा महोत्सव आयोजन की परंपरा चली आ रही है। मकर संक्रांति को महोत्सव में करीब 14 किलो वजनी दड़ा यानी गेंद को ग्रामीण रस्सी से बांध कर खींचते हैं। इस खेल से ग्रामीण पूरे वर्ष के मौसम का अनुमान भी लगा लेते हैं। शुक्रवार को इस खेल में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ग्रामीणों द्वारा पटेलों की मौजूदगी में दड़ा को घर से निकालकर चौक में लाया जाता गया। करीब 2 घंटे तक लगातार लोग इस खेल का आनंद उठाते रहे। अंत में पटेलों ने इस साल अकाल पड़ने की बात कही। हजारों की भीड़ के साथ हुए आयोजन की सूचना जब अधिकारियों को मिली तो गांव पहुंचे, पता चला कि इसके लिए परमिशन भी नहीं ले रखी थी। इतनी भीड़ देख खुद अधिकारी भी चौंक गए। आयोजकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्रदेश में थर्ड वेव की एंट्री के बाद सरकार ने सख्त पाबंदियां लागू कर दी है। आयोजन में लोगों की संख्या को सीमित कर दिया गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों को शामिल कर इसका आयोजन किया गया। इस खेल का शुभारंभ गांव के ठाकुर सत्येंद्र सिंह ने की। 2 टीमों ने इन दड़े को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अंत में दड़ा समय पूरा होने पर फकीर मोहल्ले में गया, जहां पटेलों ने खेल समाप्ति की घोषणा की। दड़ा फकीर मोहल्ले की तरफ जाने से परिणाम अकाल का बना गया। ग्रामीणों ने बताया कि 35 वर्ष बाद दड़ा फकीर मोहल्ले में पहुंचा। गत वर्ष खेल में दड़ा हवाला की तरफ गया था, जिससे सुकाल के संकेत मिले। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 क्विंटल से भी ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया। तस्करी कर रहे युवक को भी गिरफ्तार किया। इन दिनों तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए दोपहर में ही माल को एमपी से मारवाड़ तक सप्लाई करना शुरू किया है। सदर थाना अधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि पुलिस की टीम निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे रोड अहीरपुरा अंडर ब्रिज के पास नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान नीमच की तरफ से एक स्विफ्ट डिजायर कार आई। उसे रुकने का इशारा किया तो उसने नाकाबंदी पॉइंट से घुमाकर गलत साइड में ही गाड़ी भगा दी। पुलिस ने लगभग 2 से 3 किलोमीटर पीछा करते हुए बोरा खेड़ी चौराहे पर जाकर रोका। कार में 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। थानाधिकारी टेलर ने बताया कि चालक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम जोधपुर निवासी महावीर सिंह पुत्र हनुमान सिंह राजपूत उम्र 22 साल बताया। उससे जब भागे हुए व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने उसका नाम नागौर निवासी पुखराज बिश्नोई बताया। कार की तलाशी ली तो पीछे की सीट में और कार की डिक्की में 5 प्लास्टिक के कट्टे रखे हुए थे। कट्टों को खोलकर देखा तो उनमें डोडा चूरा मिला। इसके बाद पुलिस ने किया तो उसमें कुल 1 क्विंटल 8 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा भरा हुआ था। पुलिस ने डोडा चूरा और कार जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस टीम में एसआई नारूलाल, एएसआई सूरज कुमार, हेड कांस्टेबल सुंदपाल, कांस्टेबल प्रमोद, हरविंदर, नरेश और रामकुमार शामिल थे। राजसमंद जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह जारी हुई रिपोर्ट में जिले में 90 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज नादवारा शहरी क्षेत्र और खमनोर ब्लॉक में मिले, जबकि सबसे कम मरीज आमेट, भीम और देवगढ़ ब्लॉक में मिले हैं। 7 से 15 जनवरी तक जिले में 480 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सीएमएचओ प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को कुल 90 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसमें केलवाड़ा ब्लॉक में 6 मरीज, खमनोर ब्लॉक में 24 मरीज, रेलमंगरा ब्लॉक में 24 मरीज, राजसमंद शहर में 8 मरीज, नादवारा शहर में 8 मरीज और राजसमंद ग्रामीण क्षेत्र में 22 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। चिकित्सा विभाग की टीम कोरोना मरीजों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। जिले में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़ती जा रही है। राजसमंद शहरी क्षेत्र में 67 कोरोना मरीज हैं। इसी तरह राजसमंद ग्रामीण क्षेत्र में 90 मरीज, नादवारा शहरी क्षेत्र में 146 मरीज, खमनोर क्षेत्र में 91 मरीज, रेलमंगरा ब्लॉक में 41 मरीज, आमेट ब्लॉक में 2 मरीज, देवगढ़ ब्लॉक में 7 मरीज, केलवाड़ा ब्लॉक में 30 मरीज और भीम ब्लॉक से 7 मरीज कोरोना संक्रमित हैं। जिले में शुक्रवार को जारी हुई रिपोर्ट में राजसमंद ब्लॉक के खरांडिया गांव में 11 महीने का बच्चा संक्रमित मिला है। इसके अलावा नादवारा पुलिस थाना, काकरोली पुलिस थाना, केलवाड़ा पुलिस थाना का 1-1 जवान, केलवाड़ा एसडीएम ऑफिस का कर्मचारी, दरिबा जिंक के 5 कर्मचारी, दरिबा सीएचसी का 1 कर्मचारी और जिला अस्पताल के 3 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बांसवाड़ा में दानपुर थाना क्षेत्र की मकनपुरा ग्राम पंचायत में नोतरा कार्यक्रम में डीजे पर पसंद का गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। इसमें 1 पक्ष के 3 लोगों ने दूसरे पक्ष के 1 युवक के साथ मारपीट कर दी। लोगों ने दोनों पक्षों को लड़ने से रोका। घर पहुंचने के बाद युवक को उल्टियां होने लगी। उसने परिवार को जहर पीने की कही। परिवार उसे लेकर महात्मा गांधी विकास अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर पीड़ित परिवार मोर्चरी के बाहर आरोपियों से गिरफ्तारी को लेकर अड़ गया, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच में रखने की बात कहते हुए गिरफ्तारी से मना कर दिया। दानपुर थानाधिकारी रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि खोरापाड़ा निवासी अनिल पुत्र रमजू मैडा, उसका भाई विश्राम एवं पत्नी सहित परिवार के सदस्य गाँव में किसी रिश्तेदार के यहाँ नौतरा कार्यक्रम में गए थे। यहाँ डीजे बजाने को लेकर अनिल मैडा की दूसरे पक्ष के रामलाल पुत्र सोहनलाल, सुनील पुत्र सोहनलाल एवं अनिल पुत्र केशिया के साथ थोड़ी बहस हो गई। मामला शांत हो गया। इसके बाद अनिल मैडा उसके परिवार के साथ घर लौट आया।
आया। पुलिस ने बताया कि अनिल ने घर पर जाकर जहर पी लिया। इसके बाद परिवार उसे लेकर हॉस्पिटल आया, जहां पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। इधर मृतक अनिल के पिता रमजू मैडा ने पुलिस को बताया कि डीजे को लेकर हुए विवाद के कुछ देर बाद आरोपियों ने अनिल को पकड़ लिया। उसने देखा कि एक युवक ने अनिल के पैर पकड़े और दूसरे ने सीना दबा रखा था, जबकि तीसरे युवक ने उसके मुंह में जबरदस्ती जहर डाला। इसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी, वह अनिल को लेकर अस्पताल पहुंचे। मृतक के परिजनों ने थानाधिकारी के समक्ष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। परिवार ने दबाव बनाया कि अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी तो वह शव नहीं उठाएंगे। थानाधिकारी मीणा को बोलना पड़ा कि वह दबाव में काम नहीं करेंगे, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, मामला जांच में है और जांच पूरी होने के बाद गिरफ्तारी होगी। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सलूम्बर में हाई सेकेंडरी विद्यालय में फौजी डिफेंस अकेडमी की तरफ से 15 जनवरी को आर्मी दिवस के उपलक्ष्य में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कोच ऋतुराज सिंह, एसके सर, कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष गिरिराज सिंह लीमड़ी, कार्यक्रम की अध्यक्षता उप प्रधान देवेंद्र सिंह, मुख्य अतिथि विकास मंच अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, इंटरनेशनल प्लेयर सुरेंद्र सिंह मैथिडी, नेशनल प्लेयर जयदीप सिंह, वीरेंद्र सिंह बोरज, मयूर राज सिंह, ज्योत सागर, वीरेंद्र सिंह बल्ला आदि समस्त युवाओं ने दौड़ आयोजित करवाई। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने आसपास सभी ग्रामीण इलाकों से और तहसील वाइज जिले भर में डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर सभी जिलों के छात्र छात्राओं ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की आन बान शान के लिए कुछ करना था। देश का हर छात्र छात्राओं में फौज में भर्ती होना, पुलिस में भर्ती होना, इस देश के प्रति मर मिटने की भावना को लेकर हर छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उप प्रधान देवेंद्र सिंह ने बताया कि सलूम्बर क्षेत्र में कभी भी कोई भी युवा साथी किसी भी प्रकार की कोई जरूरत में हो तो आपके लिए हर वक्त अपने देश के लिए ऐसे काम में आपके साथ वक्त दूंगा। अंत में जो प्रथम द्वितीय रहे उनको पारितोषक वितरित किया गया। सभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।